अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रूटीन चेकिंग, जिसको डेली चेकिंग भी कहा जाता है। कहते हैं एवरी बिजनेस मेंटेन्स सम और अदर शॉर्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दीज आर एग्जामाइन ऑन डेली बेसिस, कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अगर वो डेली बेसिस पर चेक की जा रही है तो वो आपकी रूटीन चेकिंग है। रूटीन चेकिंग जनरली क्यों की जाती है? अर्थमेटिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करने के लिए। और जितनी भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की चेकिंग की जाती है कि सही से टोटल हुआ कि नहीं, ट्रांसफ़र हुआ, टैली ट्रायल बैलेंस सही से बन रहा है या नहीं, जर्नल जर्नल से, लेज़र लेज़र से ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग सही से हो रही है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए जब रूटीन चेकिंग की जाती है उसको रूटीन चेकिंग कहा जाता है। व्हाट डज़ रूटीन चेकिंग इंक्लूड? रूटीन चेकिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, रूटीन चेकिंग में जर्नल से, लेजर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनती है तो उनका टोटल, सब टोटल और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। दूसरी बात, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री की बात की जा रही है, फिर उनके बैलेंसेस को चेक किया जाता है, फिर उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है लेजर लेजर से ट्रायल बैलेंस में। रूटीन चेकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रूटीन चेकिंग क्यों करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। दूसरा, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट को सही से पोस्ट किया गया या नहीं किया गया, स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करने के लिए, कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का या पेन का, उनके कलर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो है फिगर्स को ऑल्टर्ड नहीं किया जा सके। जैसे बात करें अगर हम सिंबल्स की, तो सिंबल्स जितने छोटे और क्लियर होंगे उतना बेनिफिशियल रहेंगे। डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करने चाहिए, डिफरेंट कलर्स यूज़ करने चाहिए, और आपको सिंबल्स ऐसे रखने हैं जो सीक्रेट फॉर्म में हो, मतलब उनको, उनका एम्प्लॉयज़ के बारे में पता नहीं होना चाहिए। कहते हैं इट इज़ बेटर टू चेंज द कलर ऑफ द सिंबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब ईयर टू ईयर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। वेयर द सिंबल इज़ मार्क्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मार्क किस साइड्स करना है। जो आपका टैली हो रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे टिक करते चले जाओगे कि भाई ये मार्क हो चुका है, और जो आपका अनडिटेक्ट किए हो रह गया उसको राइट हैंड साइड पे टिक किया जाना चाहिए। तो आपको साइड ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि आपने उसको मार्क कैसे करना है। अब बात आते हैं कि रूटीन चेकिंग के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेजेस है, डेली बेसिस पर जो चेकिंग की जा रही है उसको आप रूटीन चेकिंग कह रहे हो, तो उसको करना बिल्कुल सिंपल है क्योंकि क्लरिकल स्टाफ इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर कोई वेल क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर कहते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात कहते हैं नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। एक्यूरेसी तभी क्लैरिफाई होगी जब उसका टोटल और सब टोटल सही तरीके से किया गया हो। डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, अगर हम एरर्स और फ्रॉड्स की बात करें, अगर डेली बेसिस पर जो चेकिंग की जा रही है जितनी भी एरर्स और फ्रॉड्स है उसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। चेंज इन फिगर्स कम टू लाइट, अगर हमने जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स और कलर और पेंसिल्स का यूज़ किया है और वो अगर चेंज कर देते हैं, ऑल्ट्रेशन हो जाती है, तो उसे ईजिली पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है रूटीन चेकिंग की। फास्ट एंड केयरलेस इन वर्क, कहते हैं डेली बेसिस पर जो चेकिंग की जाती है उसमें जो इम्प्लॉयज़ है वो थोड़ा जल्दबाजी में काम करते हैं, जिससे कि जल्दबाजी में होने के कारण काम में केयरलेसनेस रहती है। काम जो है मैकेनिकल वे से हो जाता है क्योंकि अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ उसको कंप्लीट करते हैं, वो थोड़े लेज़ी से हो जाते हैं कि भाई काम को तो उसी बिहाफ पे करना है क्योंकि डेली बेसिस पर उसकी चेकिंग की जा रही है। नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कुछ ऐसे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन वो डिसक्वालीफाई बने हुए रह जाते हैं।